नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने चैनल अड्यूशाला पर। तो जो बिहार स्पेशल की सीरीज चला रखी है हमने, तो उससे रिलेटेड जो चौथा वीडियो लेके आया हूँ, जिसमें मैं आपको जैन धर्म और बौद्ध धर्म के बारे में जो भी इम्तियाज़ अहमद की जो बुक है उसमें क्वेश्चन दे रखे हैं उन्हें कराऊंगा। ठीक है, इसमें मैप का भी यूज़ करूंगा मैं इसके बारे में। जैसे अभी कोई शहर का नाम आता है, जैसे पटना, वैशाली, मुंगेर, चंपारण, इनके मतलब मैप में दिखाऊंगा। ठीक है, तो मैप का भी यूज़ करूंगा, जिससे आपको थोड़ा मैप का भी आइडिया होगा और आपको जो क्वेश्चन कराऊंगा उनसे आपकी मतलब जो भी पेपर में क्वेश्चन बनेंगे इनसे रिलेटेड उसका भी आइडिया होगा। ठीक है, तो बिना कोई देरी के शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन, जैन धर्म के वास्तविक संस्थापक और 24वें तथा अंतिम तीर्थंकर महावीर का जन्म कहाँ हुआ था? तो कहाँ हुआ था ये आपका ऑप्शन सी, कुंडलग्राम। ठीक है, तो महावीर के बचपन का नाम क्या था? वर्धमान था, ये भी ध्यान रखिएगा, पूछ लेता है। तो कुंडलग्राम में जन्म हुआ और बचपन का नाम क्या था? वर्धमान। महावीर के जन्म स्थल कुंडलग्राम बिहार के किस जिले में है? तो किस जिले में आपका, ये है वैशाली में। ठीक है, तो मैं वैशाली और पटना वगैरह जो भी ये चार जिले दे रखे हैं, मुंगेर और चंपारण, इनको आपको मैप में दिखा देता हूँ कहाँ कहाँ पर है। ठीक है, तो ये है दोस्तों हमारा बिहार का मैप, और देखते हैं हम पटना कहाँ पर है। पटना जो बिहार की राजधानी है वो ये रही, वैशाली, जहाँ पर कुंडलग्राम में वर्धमान या महावीर का जन्म हुआ था वो ये है। और चंपारण दो भागों में विभाजित हो गया है। ठीक है, पहले एक ही था, पूर्वी चंपारण और पश्चिमी चंपारण में बट गया है, और जो मुंगेर है वो ये रहा। ठीक है, तो चारों जिले कवर हो गए। पटना राजधानी है, राजधानी को कौन कौन से जिले कवर करते हैं ये देख लेते हैं हम। तो पटना के साथ जुड़े हुए कितने जिले हैं ये आपके? सारण है एक तो, ठीक है, पहला है सारण, वैशाली, समस्तीपुर, बेगूसराय, लखीमपुर और नालंदा, जहानाबाद और अरवल और भोजपुर। कितने जिले हो गए टोटल ये? 1 2 3 4 5 6 7 8 9। तो 9 जिले पटना को टच करते हैं। ठीक है, पूछ लेगा क्वेश्चन कितने जिले पटना को टच करते हैं, तो 9 ध्यान रखिएगा। और जो चंपारण है वो पश्चिमी और पूर्वी चंपारण दोनों जो हैं वो क्या बनाते हैं हमारा? इंटरनेशनल बाउंड्रीज बनाते हैं। ठीक है, इंटरनेशनल बाउंड्रीज़ कौन कौन सी हो गई? देखो, नेपाल से बनाते हैं और एक उत्तर प्रदेश से भी बाउंड्री बनाते हैं। ठीक है, तो ये तो राज्य से बाउंड्री बनाते हैं, और इंटरनेशनल बाउंड्री किससे बनाते हैं? नेपाल से। ठीक है, ये रहा नेपाल, और ये देखो टच कर रही है इसकी सीमा, इसकी भी। ठीक है, और कौन कौन से जिले जो इंटरनेशनल बाउंड्री बनाते हैं बिहार के? सीतामढ़ी हो गया, मधुबनी हो गया, सुपौला हो गया, अररिया हो गया और किशनगंज हो गया। ठीक है, किशनगंज बंगाल से भी लगता है इधर और नेपाल से भी लगता है इधर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, तीसरा क्वेश्चन, महावीर स्वामी के पिता सिद्धार्थ का संबंध था। तो महावीर स्वामी के पिता सिद्धार्थ का संबंध किस संघ से था? वज्जी संघ से। ठीक है, तो ये वज्जी संघ से था इनका से। सिद्धार्थ वज्जी संघ के एक गणराज्य कुंडलग्राम के शात्र क्षत्रियों के प्रमुख थे। ठीक है, तो किस गणराज्य के? कुंडलग्राम गणराज्य के शात्रक क्षत्रियों के प्रमुख थे। ठीक है, ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, महावीर स्वामी की माता त्रिशाला, या जिन्हें विदेह दत्ता भी कहते हैं, राजकुमारी थी, कहाँ की राजकुमारी थी आपकी? तो ये थी लिच्छवी। ठीक है, तो लिच्छवी की महारानी थी माता त्रिशाला जो थी उनकी। ठीक है, महावीर स्वामी की। ठीक है, तो त्रिशाला लिच्छवी प्रमुख चेटक की बहन थी। किसकी बहन थी? चेटक की बहन थी लिच्छवी प्रमुख। पांचवा क्वेश्चन, महावीर स्वामी ने अपना अंतिम उपदेश दिया, तो अंतिम उपदेश कहाँ पे दिया था दोस्तों? ये आपका दिया था पावापुरी में, ऑप्शन ए। ठीक है, पावापुरी बिहार के नालंदा जिले में स्थित है। कहाँ पर स्थित है? नालंदा जिले में। तो नालंदा जिले देख लेते हैं कहाँ पर पड़ता है नालंदा जिला। तो दोस्तों ये रहा मैप में आपका नालंदा जिला, ये एक सेकेंड, ये रहा। ठीक है, किससे बाउंड्री शेयर करता है ये अपनी? ये करता है पटना से। ठीक है, पटना क्या है? राजधानी बिहार की। नेक्स्ट क्वेश्चन, छठवा, महावीर की मृत्यु निर्वाण मतलब निर्वाण प्राप्त करना कहता है। ठीक है, मृत्यु हुई थी
कब हुई थी आपका, सॉरी कहाँ हुई थी महावीर की मृत्यु, महावीर जी की? तो ये हुई थी पावापुरी में, अंतिम उपदेश देने के बाद, और वहाँ पे भी मृत्यु हो गई थी इनकी। ठीक है, पावापुरी मैंने देखा कहाँ पर है अभी हमने, नालंदा में। नालंदा किससे बाउंड्री शेयर करता है आपका? पटना से, ध्यान रखिएगा। सातवां क्वेश्चन, प्रथम जैन संगीति का आयोजन हुआ था, तो प्रथम जैन संगीति का आयोजन कहाँ पे हुआ था दोस्तों आपका ये? तो ये हुआ था पाटलिपुत्र, जिसे आज के टाइम पे हम क्या कहते हैं, पटना। और पाटलिपुत्र किसने सबसे प्रथम राजधानी बनाया था अपनी? तो ये था उदयन। किसका बेटा था ये? अजात शत्रु का। और अजात शत्रु किसका बेटा था? बिंबिसार का। ठीक है, ये किस वंश से संबंधित है? ये हर्यंक वंश से संबंध रखते थे, इतना ध्यान रखिएगा इससे। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रथम जैन संगीति का आयोजन किसके शासनकाल में हुआ? तो किसके शासनकाल में हुआ? ये हुआ था आपका चंद्रगुप्त मौर्य। तो चंद्रगुप्त मौर्य जो था वो मौर्य साम्राज्य का प्रथम शासक था। ठीक है, इसने ही मौर्य साम्राज्य की नींव रखी थी। उसके बाद बिंदुसार हुआ, उसके बाद उसका बेटा अशोक हुआ, जो सबसे महानतम मौर्य साम्राज्य का शासक था। अशोक सबसे महान था, ठीक है, मौर्य साम्राज्य के शासक में। ठीक है, साम्राज्य में प्रथम जैन संगीति की अध्यक्षता किसने करी थी? तो किसने करी थी? स्थूलभद्र। तो प्रथम जैन संगीति की अध्यक्षता किसने करी थी आपका? स्थूलभद्र ने की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, 10th, 10वां क्वेश्चन, प्रथम जैन संगीति का आयोजन पाटलिपुत्र में हुआ था, जिसमें कार्य हुआ, तो क्या कार्य हुआ था जैन प्रथम जैन संगीति के आयोजन में? जैन, ऑप्शन बी है, जैन धर्म के महत्वपूर्ण 12 अंगों का प्रणयन किया गया था, एवं जैन धर्म के दो भागों में श्वेतांबर और दिगंबर में विभाजन किया गया था। ठीक है, श्वेतांबर और दिगंबर। श्वेतांबर दोस्तों जो श्वेत वस्त्र पहनते थे, और दिगंबर जो थे वो नग्न रहते थे, मतलब कोई वस्त्र नहीं पहनते थे। आज भी आप देख सकते हैं इनको, काफ़ी जगहों पर आपको दिख जाएंगे, ये बिल्कुल नग्न अवस्था में रहते हैं। इनका ये धार्मिक मतलब रिचुअल है, ठीक है, जो इन्हें फॉलो ही करना पड़ता है। और जो है पहला भी है इसका, ठीक है, मतलब इसमें दोनों है, ऑप्शन बी इसका होगा ये वाला। जैन धर्म ग्रंथों के अंतिम रूप से संकलित कर लिपिबद्ध किया गया, ठीक है, लिपिबद्ध भी किया गया था जैन धर्मों को, और इनका विभाजन भी हो गया था श्वेतांबर और दिगंबर में। ठीक है, ध्यान रखिएगा आप इसका, तो ऑप्शन बी हो जाता है हमारा सही इसका यहाँ से। जैन धर्म के 12 तीर्थांकरों में वसुपूज्य की जन्मस्थली थी, तो वसुपूज्य की जन्मस्थली कौन सी थी आपकी? चंपा। चंपा जो थी वो वसुपूज्य की जन्मस्थली थी, ध्यान रखिएगा। अब आ जाता है बुद्ध से क्वेश्चन, जैन धर्म से इतने ही क्वेश्चन थे उसमें दोस्तों, तो अब मैं बुद्ध कराता हूँ, बुद्ध बौद्ध धर्म से जो क्वेश्चन है उसमें। बौद्ध धर्म के संस्थापक गौतम बुद्ध ने ग्रह त्याग के उपरांत सर्वप्रथम गए थे, कहाँ गए थे ग्रह त्याग के उपरांत सर्वप्रथम? तो ये गए थे आपके वैशाली के समीप आलार कलार के आश्रम। ठीक है, वैशाली के समीप आलार कलार के आश्रम गए थे बौद्ध मतलब बुद्ध जो थे हमारे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, गौतम बुद्ध ने कहाँ कौंडिन्य और 5 ब्राह्मणों ब्राह्मण मिले थे, मतलब कौंडिन्य और 5 ब्राह्मण गौतम बुद्ध को कहाँ मिले थे? ये आपका मिले थे उरुवेला में, यानी कि बौद्ध गया। उरुवेला कहाँ पड़ता है मैप में देख लेते हैं, बोध गया और उरुवेला दोस्तों, ये रहा आपका गया जो है, पुराने समय पे इसे ही बोध गया भी कहते थे। ठीक है, गया को ही बोध गया कहते थे, तो ध्यान रखिएगा कि किससे बाउंड्री बनाता है आपका? झारखंड से। ठीक है, तो ये ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, थर्ड क्वेश्चन, गौतम बुद्ध उससे गौतम बुद्ध को ज्ञान प्राप्त हुआ था, तो गौतम बुद्ध को ज्ञान प्राप्त कहाँ पे हुआ था? बोध गया में। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, फोर्थ क्वेश्चन, गौतम बुद्ध को किस नदी के किनारे ज्ञान की प्राप्ति हुई थी? तो किस नदी के किनारे ज्ञान की प्राप्ति हुई थी? कई बार क्वेश्चन आया हुआ है दोस्तों ये, निरंजना नदी के तट पर ज्ञान की प्राप्ति हुई थी। ठीक है,
देख लेते हैं, व्याख्या देख लेते हैं। उन्हें ज्ञान की प्राप्ति बोध गया में निरंजन नदी के किनारे एक पीपल के वृक्ष के नीचे हुई थी। तो जो पीपल का वृक्ष है उसकी 5वीं पीढ़ी जो है अभी भी वहीं पर स्थित है, ठीक है। उसको बहुत पूजनीय माना जाता है बौद्ध धर्म में। नेक्स्ट क्वेश्चन, 5वां क्वेश्चन, राजगृह में आयोजित प्रथम बौद्ध संगीति में कौन से कार्य हुए? तो प्रथम बौद्ध संगीति में कौन से कार्य हुए दोस्तों? तो ये आपका क्या हुआ, बुद्ध की शिक्षाओं का संकलन और सुतपिटक और विनय पिटक में हुआ, ठीक है। बुद्ध की शिक्षाओं का संकलन हुआ किसमें? सुतपिटक और विनय पिटक। ये बौद्ध धर्म के महत्वपूर्ण ग्रंथ हैं, ठीक है, ध्यान रखिएगा। तो जो भी बुद्ध ने शिक्षाएं दी थी उनका जो संकलन किया गया, मतलब उनको लिखा गया किसमें? सुतपिटक और विनय पिटक में। देख लेते हैं व्याख्या, प्रथम बौद्ध संगीति का आयोजन लगभग कितना हुआ था? 483 ईसा पूर्व में हुआ था द्वितीय, ठीक है। प्रथम बौद्ध संगीति का आयोजन कहाँ पे हुआ, कब हुआ था? 483 ईसा पूर्व में, ध्यान रखिएगा। 6वां क्वेश्चन, द्वितीय बौद्ध संगीति का आयोजन वैशाली में हुआ, इनमें किए गए कार्य थे? तो क्या कार्य किया गया था द्वितीय बौद्ध संगीति में? तो ये आपका किया गया था, बौद्ध धर्म को 2 भागों में स्थावर और महासंघिक के रूप में विभाजित किया गया, मतलब 2 भागों में बट गया बौद्ध धर्म, किस किस में? स्थावर और महासंघिक में बट गया, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं, 7वां क्वेश्चन, तृतीय बौद्ध संगीति का आयोजन पाटलिपुत्र में हुआ, इनमें किए गए कार्य क्या थे? ठीक है, तो किए गए कार्य क्या थे? कुछ कठोर नियम बनाए गए तथा अभिदम्ब पिटक का संकलन हुआ, ठीक है। तो तृतीय बौद्ध संगीति में क्या हुआ था कि कुछ बौद्ध धर्म से रिलेटेड कुछ कठोर नियम बनाए गए, नियम और कानून बनाए गए, और अभिधम्म पिटक का संकलन हुआ। तो सुप्त पिटक और विनय पिटक कब बने थे? फर्स्ट बौद्ध संगीति में। और अभिधम्म पिटक कब बना? तो इसका संकलन किया गया थर्ड बौद्ध संगीति में, यानी तृतीय बौद्ध संगीति में, ठीक है। तृतीय बौद्ध संगीति का आयोजन 251 ईसा पूर्व में हुआ, तृतीय बौद्ध संगीति का आयोजन कब हुआ था? 251 ईसा पूर्व में। और द्वितीय का कब हुआ था? 383 ईसा पूर्व में, 100 वर्ष बाद किसके? प्रथम बौद्ध संगीति के जस्ट 100 वर्ष बाद। प्रथम बौद्ध संगीति कब हुआ था? 483 ईसा पूर्व में। निम्नलिखित में से किस नगर में महात्मा बुद्ध का घनिष्ठ संबंध रहा है? तो किस नगर से महात्मा बुद्ध का घनिष्ठ संबंध रहा है? सब सही रहा है, ठीक है। बोध गया में ज्ञान की प्राप्ति हुई, फिर राजगीर में भी, वैशाली में भी वह गए, ठीक है, उन्होंने उपदेश वगैरह दिया, तो सभी से उपरोक्त सभी से रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन, महात्मा बुद्ध ने पाटलिपुत्र के विनाश के कारणों की भविष्यवाणी की, उनमें सम्मिलित थी, तो क्या क्या सम्मिलित थी? तीनों ही सम्मिलित थी, बाढ़, अग्नि, आंतरिक कलह, ठीक है, उपरोक्त सभी। बोध गया में मंदिर बनाया गया जहाँ बौद्ध को, बुद्ध, महात्मा बुद्ध को, गौतम बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति हुई थी, ऑप्शन बी। प्रसिद्ध बौद्ध सारिपुत्र का जन्म हुआ था, तो प्रसिद्ध बौद्ध सारिपुत्र का जन्म कहाँ पे हुआ था दोस्तों? ये आपका हुआ था नालंदा में, ठीक है दोस्तों। तो आज के लिए इतना ही, और ऐसे ही मैं आपको वीडियो प्रोवाइड कराता रहूँगा, तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए ताकि इस तरह की वीडियो आपको लगातार मिलती रहे। और आपकी जो भी BPSC से रिलेटेड या बिहार SSSC से रिलेटेड जितने भी एग्ज़ाम आएंगे या बिहार SI का, उसमें ये आपको बहुत हेल्प करेगा दोस्तों। मैक्सिमम 4 से 5 क्वेश्चन आपके फंस जाएंगे इसमें से।